सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस्मान वो यहां भी आ गए, पकड़ो उसे। ऑपरेशन थिएटर तैयार करो फौरन। हम उन्हें नहीं बचा पाए। इन्न लिल्लाहि व इन्न इलैहि राजिऊन। कागजात हाजिर है शहजादी। मैं महमूद पाशा को बतौर सरबरा देखना चाहूंगा। क्या तुमने लाश का खुद तफसीली मुआयना किया था? वो यहूदी था सुल्तान। तुम्हारी बीवी और बच्चों के बारे में खबर है हमारे पास। तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक मैं फैसला ना कर लूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी कब तक जीनी है। सुल्तान मौसम, उनके खानदान को अगवा किया गया है। उन्हें धमकी मिली, अगर कीमत में इजाफा ना हुआ तो वो अपने खानदान को कभी नहीं देख पाएंगे। बिलाखिर हमने अपनी तेल कंपनी के लिए मुंतजिम आला मुंतखब कर लिया है। महमूद अफंदी, फिर तुम बेहतरीन के मुस्तहिक हो महमूद, हर मामले में। थोड़ा सब्र। इंतजार। कसम खाता हूं कि तुमसे अपने खिताबात वापस लेकर रहूंगा अब्दुल हमीद। तो यहां काम करती हैं आप? नहीं, सिर्फ आज आपके लिए। मैं समझा था आप कॉफी का वादा भूल चुकी हैं। कैसे भूल सकती हूँ, इतनी मदद जो की है आपने मेरी। वो रिसाला देखा आपने? देखा था, उसी वक्त बाबा को दे दिया मैंने। तहसीन पाशा, क्या हम फौरन सुल्ताने मौजम से मुलाकात कर सकते हैं? खैरियत तहसीन पाशा, मुझे उस शख्स का नाम मालूम हो गया है। आई, इसका क्या मतलब है अब्दुल कादिर अफंदी? मेरे सुल्तान, ये जिम्मेदारी सौंपते हुए आपने रियासत के मफाद को तरजीह देने का कहा था, और महमूद पाशा की तैनाती में ही रियासत का फायदा है। आ जाए। सुल्तान मौसम, मुखिल होने के लिए माजरत।
ये वो रिसाला है जिसे हम तलाश कर रहे थे। हमें उस शख्स का नाम मालूम हो गया है जो जख्मी हालत में यहां आया था सुल्तान मौसम। कौन शख्स है वो सुल्तान मौसम? क्या आपको यकीन है कि आप उस पुरसरार शख्स को नहीं जानते ग्रिफिन अफंदी? जी सुल्तान मौसम, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे कहीं देखा है। वैसे आप भी उस मुलाकात में शरीक थे, आपका नाम भी दर्ज है यहां, और उस पुरसरार शख्स का नाम है क्लॉड ज़िमर। सलीम पाशा, इस तकरीब में मौजूद होने के बावजूद आप ग्रेफंड अफंदी को कैसे नहीं पहचान पाए? सुल्तान मुअज़्ज़म, बहुत वक्त गुजर गया इसलिए याद नहीं रहा हमें। आप ठीक कहते हैं पाशा, बहुत पुरानी बात है। उस वक्त मैं जवान था, भूल जाने पे मुझे कोई हैरत नहीं। इंसानी हाफिजा भूल जाने की सलाहियत रखता है। ग्रेफन अफंदी, हम उस पुरस्कार शख्स के बारे में तफसीलात जानने के लिए बेचैन हैं। वो हमें कोई अहम बात बताना चाहता था, क्योंकि आप भी उस तकरीब में शरीक थे। मालूम कीजिए वो शख्स कौन था और हमें क्या बताना चाहता था। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, मैं फौरन बर्लिन खत लिखकर रवाना कर देता हूं। उस रिसाले के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। बाबा ने 5 साल पहले जर्मनी में एक तकरीब में शिरकत की थी। वहां की तस्वीर रिसाले में शाया हुई थी। वो उस तकरीब में शरीक किसी शख्स का नाम याद करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें याद ही नहीं आ रहा था। अब याद आ गया उन्हें? जी बिल्कुल, वो उस रिसाले को महल लेकर गए हैं। बाबा सुल्तान के लिए काम करते हैं। क्या हमने आपको बताया था? नहीं। तुम्हें ये तस्वीर छपानी है, इसके नीचे ग्रिफिन का नाम लिखना और ग्रिफिन की तस्वीर के नीचे अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख देना। जिस ग्रिफिन को हम जानते हैं, क्या वो असल में कोई और है? सच बताओ मार्को, अगर वो ग्रिफिन नहीं है तो कौन है? ये बिसात बार वो साहब ने अब्दुल हमीद के लिए बिछाई है, बस अपना काम करो, तुम समझे? समझिए, मैं जैसा बार वो साहब चाहे। बार वो साहब तुमसे कुछ और भी चाहते हैं? सलीम पाशा की बेटी जो तुम्हारी परिस्तार है, उसे खुश रखो और उसमें दिलचस्पी लो। आप हमें जज्बाती मत समझिएगा, लेकिन हमें लिखने का बहुत शौक है। वाकई? आपका लिखा हुआ पढ़ना चाहूंगा मैं। वाकई पढ़ेंगे आप? बिल्कुल। सुल्तान मौसम, महमूद आफंदी के बारे में महमूद आफंदी बतौर कंपनी के सरबरा कबूल है हमें, अब्दुल कादिर अफंदी, महमूद अफंदी को महल बुलाइए।
जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आप भी जा सकते हैं ग्रैफंड अफंदी। सुल्ताने मुअज्जम, सवाल के लिए माजरत, मैं सिर्फ आपका लाहे अमल समझना चाहता हूं। महमूद पाशा को आपने क्यों कबूल किया? क्योंकि अंग्रेज महमूद अफंदी को कंपनी का सरबरा देखना चाहते हैं। लेकिन क्या यह फैसला आपके सियासी अफकार के मतजाद नहीं है मेरे सुल्तान? क्योंकि माजी में आपने कभी मुखालिफिन को कबूल नहीं किया। बेशक। क्या आप तर्ज़े सियासत बदल रहे हैं हुजूर? नहीं, हरगिज़ नहीं। महमूद अफंदी को ओहदा नहीं दे रहे हम, बल्कि उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। हम वो हाथ आश्कार करना चाहते हैं जो इस कठपुतली को चला रहे हैं। मेरे सुल्तान, अगर महमूद पाशा ने सरबरा की हैसियत से हुकूमत के मुखालिफ सिम जाने की कोशिश की तो आखिरकार वो एक अहम इदारे के सरबरा होंगे। आप गलत सोच रहे हैं सलीम पाशा, उस कंपनी की कोई हैसियत नहीं है। उस इदारे ने जखायर वाली जमीन खरीदी है, क्या ये हमारे लिए अहम नहीं सुल्तान मौज़म? फैसला साज हम ही हैं, उन्हें हमारे हर हुक्म की ताबेदारी करनी ही होगी। तहसीन पाशा, जाइए और जाकर दस्तावेज नंबर 1, 2, 3 लेकर आइए। लगता है सलीम पाशा काफी फिक्रमंद है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कमालुद्दीन ने फिरोजे के मुतालिक मुकम्मल तहकीकात का कहा है अपने नायब लुत्फुद्दीन को। इस मालूमात से कुछ पता चला आपको? अभी नहीं, मगर जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह। फिरोजे ने हमें बताया था कि वो बुरसा में पैदा हुई है। लुत्फुद्दीन इस वक्त बुरसा में ही है। फिरोजे के खानदान को तलाश कर रहे हैं वहाँ। हमें यकीन है कि वो सफेद झूठ बोल रही है नाई में। वो ऐसा क्यों करेंगी? कोई अपने खानदान के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? उनके माजी से जुड़ा हुआ कोई राज हो शायद, कोई ऐसा राज जिसके लिए वो हमारे महल में दाखिल हुई है। आपको क्या लगता है? मालूम नहीं, लेकिन लुत्फुद्दीन की वापसी पे मालूम हो जाएगा। फिरोजे बाजी, हमें फूल चाहिए। जरूर लीजिए शहजादी। आप बेहद हसीन हैं। ये ख्वाब है, हकीकत में कोई इतना हसीन नहीं हो सकता। अब मैं सुल्ताना हूं ना? सुल्ताना है, हमारी सुल्ताना। आजा मेरी शहजादी। आइए थोड़ा प्यार कर लूं आपको। माशाल्लाह। आइए बैठिए बैठिए। आप हमसे मिलने क्यों नहीं आए महमूद पापा? आपके अलावा सबसे मुलाकात की हमने। मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ मौजूद हैं। अब मैं रोज आपसे मिलने आया करूँगा, ठीक है ना? अच्छा, आप हमें बताइए, आपने महमूद पापा को ज्यादा याद किया या गिलहरी को? गिलहरी को। चलिए फिर गिलहरी बन जाते हैं, हमें पत्ते दीजिए। आप ठीक हैं फिरोजे? इसको जी ठीक हूं। ऐसा करते हैं कि कान पर रख लेते हैं ऐसे। अब आप तैयार हैं ना? चले। नहीं, हमारी शहजादी ने तो महमूद पाशा को याद ही नहीं किया, इसने तो सिर्फ गिलहरी को याद किया। शहजादी सादिया, आपने एक भी फूल नहीं छोड़ा। हमने फिरोजे बाजी के लिए जमा किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया शहजादी। दुल्हन के गुलदस्ते की तरह है ना? महमूद पाशा, सुल्तान आपके मुंतजिर हैं। आइए जल्दी चलें। 7 नौजवानों ने मुख्तलिफ यूरोपी दर्जगाहों से तालीम हासिल की। उन्होंने कई इदारों में काम किया।
सबने इंजीनियरिंग में आला तरीन डिग्रियां हासिल की। फ्रेडरिक गिन, एडवर्ड वाइट, मेरे सुल्तान। लेकिन ये आगे पढ़िए। सरुहान से हसन वल्द जैमिल, वो मशीनरी में महारत हासिल कर रहे थे। अल अजीज से सोले वल्द रागिब, जिन्होंने ज़रात में तालीम हासिल की। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये तो हमारे सुल्तान ने सालों पहले नौजवानों को यूरोप भेजा था मुख्तलिफ नामों के साथ। उन्होंने वहां आला तालीम हासिल की लेकिन अपने असली नाम छुपा कर। मेरे सुल्तान, मैं भी यूरोप गया हूं लेकिन अपने असल नाम से। इन लोगों के नाम आखिर क्यों बदले गए हैं ये मैं समझ नहीं सका। जब आप यूरोप में थे हमने ये फर्क महसूस किया पाशा। उस्मानिया रियासत से ताल्लुकात की बुनियाद पर असातिज़ा आपसे इल्मी राज छुपा कर रखते थे। लेकिन इन नौजवानों का जर्मन इदारे से ताल्लुक समझने से कासिर हूं मेरे सुल्तान। हमने जर्मन कंपनी के फैसला कौन हेसिस का सरबरा अब्दुल कादिर अफंदी को मुकर्रर किया है। हमने तेल वाले इलाके भी उस कंपनी को दे दिए हैं ताकि वो खुद को खेल से बाहर तसव्वुर ना करें। दरअसल उन्होंने इससे ज्यादा सोच रखा है। उनका ख्याल है कि जर्मन इंजीनियर्स के इंतजामी उमूर में शमूलियत की वजह से वो हर मामले में इख्तियार हासिल कर लेंगे। इसका मतलब शहजादे को आपने उनके इदारे का सरबराह बनाया है। तेल वाली जमीन भी उनकी है लेकिन इंजीनियर सल्तनत उस्मानिया से होंगे। बिल्कुल सही समझे आप मेरे सुल्तान। क्या आप ग्रैफेंड आफंदी पर एतमाद नहीं करते? मुझे लगा था कि वो आपके अच्छे दोस्त हैं। रियासत के हाकिम की हैसियत से अगर एक शख्स पर भरोसा किया जाए तो रियासत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनसे हमारी दोस्ती है इसलिए हम उन पर एतमाद तो करते हैं लेकिन गफलत नहीं बरत सकते। मुराद अफंदी को इतला कीजिए कि इंजीनियर्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और वो वापस आ रहे हैं। उनका तेल के मंसूबे से मुतालिक दस्तावेजात यहां लाना लाजमी है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मुराद अफंदी की क्या सूरत हाल है पाशा? सुल्तान मौसम, हिरस ताकी की उनके घर वालों से आखिरी मुलाकात करवाई जा रही है और इसी दौरान मुराद अफंदी भी उस घर में दाखिल हो जाएंगे। इस मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उनको पता चल गया होगा इसलिए दो दिन से खबर नहीं आई। वो अब नहीं आएंगे। अगर उन्हें मालूम होता तो वो हमला कर चुके होते। तो वो क्यों नहीं आ रहे फिर? उनका हर हुक्म मानना था मुझे। गलती हो गई, तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। वो मेरे बच्चों को मार देंगे। ठीक है ठीक है, बैठ जाइए, पुरसुकून हो जाएं। बिल्कुल हम हैं ना आपके साथ जनाब। आपको हम पर भरोसा है या उन लोगों पर? आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं क्योंकि उस्मान दरवाजे पे जाओ। ये क्या है? क्या लिखा है? अगर अपने खानदान को देखना चाहते हो तो एक घंटे में जंगल वाले घर में आ जाओ अकेले। अब्दुल कादिर अफंदी, जर्मन कंपनी की जानिब से फैसला जारी कर दें। कैसा फैसला मेरे सुल्तान? वो ये बात कबूल करते हैं कि तेल कंपनी में तमाम फनी मामलात की निगरानी उस्मानिया रियासत करेगी। जैसा आपका हुक्म। क्या हमारे पास इंजीनियर हैं? हमने तेल के जखायर जर्मनों को दिए हैं मगर तमाम फनी मामलात हम खुद देखेंगे। सुल्तान मुअज्जम की जहानत की क्या बात है। ग्रैफेंड अफंदी को फौरन मुत्तला कर दिया जाए।
अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आप रुकिए महमूद अफंदी, उनसे कहें कि खानदान से आखिरी बार तनहा मिलना चाहते हैं। हम उनके बाहर मुंतजिर हैं, इस दौरान आप अपने खानदान को यहाँ से बाहिफाजत मुंतकिल कर लीजिएगा। अगर वो बाहर नहीं है तो फिर हम अंदर जाएंगे। फिक्र मत करें आप, अल्लाह ने चाहा तो किसी को कुछ नहीं होगा। अलग हो जाओ सब। आप लोग तो यहीं रहेंगे ना? इत्मीनान रखें, आपके अंदर जाने से पहले हम अपनी जगह संभाल लेंगे। देखें अंदर अगर कुछ भी होता है तो आप जोर से चिल्ला दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। अगर आप लोग मेरी जान नहीं बचा सके तो मेरे बच्चों को बचा लेना, उन्हें इनके पास मत छोड़िएगा। गलती माफ नहीं की जाएगी, कमजोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न चालाकी, न धोखा और ना ही झूठ, काम सिर्फ और सिर्फ रियासत के मफाद में किया जाएगा। फ्रांसीसी और अंग्रेजों से धोखा नहीं खाएंगे आप। सुल्तान मुअज्जम, हमें दरपेश मसाइल की असल वजह यह थी कि हमने गैर मुस्लिमों पर भरोसा किया। आपको अभी भी लगता है कि हम आप पर भरोसा करेंगे? माफी चाहता हूं सुल्तान मुअज्जम। महमूद अफंदी, हम आपका तर्ज फिक्र जानना चाहते हैं। क्या यह रियासत हम मगरिब के हवाले कर दें? मलाजगिर्द की जंग के दौरान जो कुर्बानियां दी हैं, जो खून बहाया है, उसे भूल जाएं कि अपना बनाया हुआ मकाम हम तबाह कर दें? बताइए हमें, आपकी सोच का जाविया क्या है? आप क्या चाहते हैं कि हम अपना ख्वाब भूल जाएं? महमूद अफंदी बताइए, क्या हम वापस चले जाएं, रियासत खत्म कर दें? क्या हथियार डाल दें मगरिब के आगे? हथियार? सुल्तान मुअज्जम माजरत चाहता हूं मैं, मगरिब पहले ही हमसे बहुत आगे है। अगले 200 साल तक भी हम कोशिश करते रहें तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते सुल्तान मुअज्जम। वो हर लिहाज से हमसे बेहतर हैं। मेरा मतलब यह है कि यकीनन हम अपना मुल्क किसी के भी हवाले नहीं करेंगे, लेकिन हमें खुद को भी बदलना होगा। हमें उन जैसा बनना चाहिए और हमें उन जैसा बनना पड़ेगा। मसलन पुर रौनक तकरीबात मुनाकिद करें, जिंदगी का लुत्फ उठाएं, हंसें मुस्कुराएं, मखलूत मकामात तामीर करें। हमें मुहज्जब होना चाहिए। मुहज्जब होना चाहिए? हाँ, मुहज्जब होना चाहिए। तो क्या ये होती है तहजीब? गुज़िश्ता 500 सालों से हम दुनिया की महज़ब कौम है, लेकिन जिसे आप तहजीब समझते हैं वो पहले भी हमारे पास नहीं थी। सुल्तान मुअज्जम माजरत के साथ, उनके पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बिजली है, हम चाहें तो उनसे मदद भी हासिल कर सकते हैं। और हाल ही में उन्होंने चीन की आवाम में बिला मुआवजा तेल से जलने वाली लालटेन मुफ्त तकसीम की है। पढ़ा था हमने इसके बारे में। जी सुल्तान मुअज्जम, बर्तानवी हर लिहाज से बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं कि अंग्रेज तेल वाली लालटेने दूसरे मुल्कों को मुफ्त क्यों दे रहे हैं? अपना तेल बेचने के लिए। लालटेने तो उन्होंने मुफ्त दे दी हैं, लेकिन असल मकसद तेल बेचना है। अगर हमने अपनी सरजमीन से तेल नहीं निकाला तो वो हमें भी लालटेने मुफ्त देंगे, और जब हम उसके आदि हो जाएंगे तो वो हमें अपना तेल बेचेंगे, मंडी बना लेंगे वो हमें अपनी महमूद अफंदी। यह आप नहीं देख सकते और ना ही यह मामला आपकी समझ में आएगा। मगरिब ने दुनिया की हर शय दूसरों का इस्तेसाल करके हासिल की है।
वालिदा। कहिए शहजादी। हमारा ताज आ गया है, दिखाइए, बेहद हसीन है। वालिदा, बचपन से हम ताज पहनने का ख्वाब देखते थे। जी हाँ, और हम आपको कहा करते थे अपनी शादी तक इंतजार कीजिए। हमें ताज भी मिल रहा है और हमारी मोहब्बत भी। आ जाइए सुल्ताना, आ जाइए जुल्फत। हुक्म के मुताबिक फूल तैयार करवा दिए हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फत, जा सकती हैं आप। ये फूल किसके लिए है? माजी में आपके बाबा और हमारे दरमियान तलखी हो गई थी, तो वो हमें राजी करने के लिए हमारे पास ये फूल लेकर आए थे और हमारे लिए नज़्म भी पढ़ी थी। उस दिन हमें और आपके बाबा को एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम ये गुलदान रात खाने की मेज पर रखेंगे नाई में, शायद ये फूल देखकर उन्हें सब याद आ जाए और वो हमें माफ करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बाबा आज भी आपसे पहले की तरह बहुत मोहब्बत करते हैं, वो यकीनन आपको माफ कर देंगे। खदीजा सुल्तान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? परेशानी है कोई? नहीं, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। जब से आप आए हैं ज्यादा बात नहीं हो सकी आपसे। क्या आप कमालुद्दीन पाशा से इजाजत लेकर हमें समंदर की सैर करवाने ले जा सकते हैं? हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये मुनासिब नहीं। हम खुद चलकर आए थे, फिर भी आप हमें मना कर रहे हैं। नहीं शहजादी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप शर्माइए मत, कमालुद्दीन पाशा की भी जल्द शादी होने वाली है, वो आपकी बात समझ जाएंगे। ठीक है। पाशा, अगर आप इजाजत दें तो हम शहजादी को बाहर घुमाने ले जाएं। शहजादी, हम माजरत चाहते हैं, हम अपना काम खत्म किए बगैर नहीं जा सकते आपके साथ, हमारी मजबूरी है। यानी कमालुद्दीन पाशा ने इजाजत नहीं दी? शहजादी, हमारे लिए हर काम से बढ़कर हमारा फर्ज है, ये आप जानती हैं। कोई बात नहीं, हम आपके काम में मुखल नहीं होना चाहते। कैसे हो मेरे बच्चों? इंशाल्लाह सही सलामत ले जाएंगे सबको। तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? हमने इनका बहुत ख्याल रखा है। क्या मैं अपने बच्चों से अकेले में बात कर लूं? अजनबी थोड़ी है, जो बात करनी है हमारे सामने कर लो। बस थोड़ी देर की बात है, आखिरी बार खुदा हाफिज कहने दो। वो बाहर नहीं आ रहे। सारी जिंदगी तो अंदर नहीं रह सकते ना। आ रहे वो लोग, तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन, हमला।
रुको, आपने हमें क्यों रोका मुराद अफंदी? वो नकाबपोश जासूस है। लानत हो इन पर, उसे जाने क्यों दिया? इनका अलग अलग शिकार करने से हमारा वक्त जाया होता। अब हम उसका ताकुब करेंगे ताकि हम उसके मालिक तक पहुंच सके। कौन है ये? ये रोटी की कीमत बढ़ाकर इंतजार फैलाना चाहते हैं। महल में आने जाने वालों पर भी नजर रखते हैं। बजाहिर ये कोई मामूली गिरोह नहीं है। आपने अपने मामू की तरह सोचना शुरू कर दिया है। कौन है मामू, हम जानते हैं क्या? अब सब ठीक है, डरो मत, हम महफूज हैं। हम आज मुंतजिम के दफ्तर गए थे फहीमे। वहाँ क्यों गई थी? जाहिर है अपने होने वाले शोहर से मिलने, कमालुद्दीन पाशा से। हाय अस्तग़फिरुल्लाह। अगर आपने कमालुद्दीन पाशा को देखा होता तो ये नहीं कहती। क्यों, कमालुद्दीन पाशा ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है? हमने वासफी को कमालुद्दीन से इजाजत लेने के लिए कहा। किस लिए? सैर पर जाने के लिए। लेकिन हस्बे तवक्को कमालुद्दीन ने काम का बहाना करके इजाजत नहीं दी। उनका दिल जल रहा था फूफी जान। खदीजा, बहुत हो गया है बेटी, हकीकत की दुनिया में आइए। आप दोनों के बीच कुछ नहीं है, आपको खुद को संभालना होगा। और ये ख्वाब देखना बंद कीजिए आप। ये कोई ख्वाब नहीं है हमारा। सिर्फ ख्वाब ही नहीं, आग से खेल रही हैं आप। हम बता रहे हैं कि आखिर में किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी और हमें डर है कि वो आप होंगी। हम भी आपको बता दें कि हार हमारी नहीं होगी, नायमे की होगी। सुना है कि जल्द आपकी शादी होने वाली है वासफिया फंदी। इंशाल्लाह, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको एक बात बताएं, हमें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी शहजादी खदीजा से हो रही है। हम बहुत खुश हैं। माशाल्लाह वासफिया अफंदी, अल्लाह पाक आपको नजरे बद से महफूज रखे। राहदारी में हमने अपना नाम सुना, यहाँ क्या बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपना नाम इसलिए सुना था कि वो हम नायमे बेटी, खदीजा बिल्कुल आपकी तरह खाना बनाना सीखना चाहती हैं अपने होने वाले शोहर वासफी अफंदी के लिए। आपकी आमद ही का इंतजार था। बिल्कुल, तो आप भी हमारे हमरा फादिल उस्ताद के पास चले। जी जरूर, हम चलते हैं। हम आ गए, हम बावर्ची खाने जाने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल शहजादी, आज खदीजा सुल्तान भी हमारे साथ होंगी, बहुत मजा आएगा। आए फिर, जल्दी चलिए। जल्दी चलें। आप कहाँ आ रही हैं? साथी शहजादी भी मुझे साथ ले जाना चाहती हैं। जरूरत नहीं है, हम साथ हैं, आप जा सकती हैं। आपको जाने का कहा है, सुना नहीं? शहजादी, मैं आपका इंतजार करूंगी, वापस आकर मुझे बताइएगा कि आपने क्या पकाया। नायमे, हम जानते हैं आप इनसे उरूसी लिबास वाले वाके पर बरहम हैं, लेकिन हमने आपको उस दिन भी कहा था, ये आप पर रश्क करती हैं, इसलिए भूल जाइए, इनको माफ कर दीजिए, दरगुजर कीजिए। हमें नहीं लगता फिरोज़े काबिले रहम है। वालिदा ने कमालुद्दीन को तहकीकात करने को कहा है, जल्दी फिरोजे का सच सामने होगा, पता चल जाएगा ये कौन है और इन्होंने यहाँ आकर कितने झूठ गढ़े हैं। चलिए शहजादी। तुम्हारा निशाना नहीं लगा, अब मैं लगा के दिखाता हूँ।
चलो देखते हैं। लगा लगा निशाना लगा। अरे बस की बात नहीं है, रहने दो। मुराद भाई आ गए। चलो चलो मुराद भाई आ गए, मुराद भाई आ गए। कैसे हो मेरे शेर? ठीक है। आज हमें खेल खेलते हैं, ठीक है? जो आदमी अभी अभी यहाँ से गुजरा था ना, अब उसका पीछा करना है और हमें बताना है वो कहाँ गया, किससे मिला और उसने किससे बात की। समझ गए? ठीक है। चलो शाबाश, जाओ। चलो चलो आओ, आ जाओ। आ जाओ भाइयों, अब बाकी ये सब खुद संभाल लेंगे। तुम वापस अपने काम पर जा सकते हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, ख्याल रखना अपना। मुराद अफंदी, अगर इनके वालदेन को पता चल गया कि हमने इन्हें कहाँ भेजा है तो हमारा यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाएगा। इसमें क्या गलत है? अच्छा है, तैयार हो रहे हैं। मुतंजर कहते हैं इसे, कितना मुश्किल नाम है। जी शहजादी, लेकिन ये पकाने में मुश्किल नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। और क्या आपको मालूम है, फातेह सुल्तान मेहमद खान की ये पसंदीदा तरीन गिजा थी। अरे वाह खदीजा, हम कमालुद्दीन के लिए पकाते हैं और आप वास्फी अफंदी के लिए, उनको यकीनन पसंद आएगा। जी बिल्कुल। बैलून कहिए उस्ताद। जाकर किशमिश और आलू बुखारे ले आओ जल्दी से। अभी लाता हूँ उस्ताद। जल्दी जाओ। ये आधे तो हमने खा लिए। मजे से खाइए शहजादी। अब हम इसमें किशमिश और आलू बुखारे मिलाएंगे। ये मिलाया ऐसे, फिर इसे मिलाया और ये हो गया। शहजादी याद रखिएगा, मोतंजन बनाने के लिए आप गोश्त की जगह मुर्गी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसका जायका भी अच्छा होता है। फादिल उस्ताद, हुक्म करें शहजादी। क्या हम कुछ मीठा भी बना सकते हैं? क्यों नहीं शहजादी। वास्फी अफंदी ने हमसे कहा था कि उन्हें बादाम का हलवा बहुत पसंद है। आप बिल्कुल बनाइएगा उनके लिए, बल्कि बहुत मजेदार बनेगा। हमें भी बहुत पसंद है। आपको भी पसंद है शहजादी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने उनके खानदान को जिंदा बचा लिया है सुल्तान मौसम। आफरीन। अगवाकारों का क्या हुआ? जिन लोगों ने पाए तख्त के आवाम से उनकी रोटी छीनने की कोशिश की, वो अपने अंजाम को पहुंच गए सुल्तान मौसम। लेकिन उनमें से एक को जाने दिया हमने सुल्तान, ताकि उसका पीछा करके उसके मालिकों तक पहुंच सके हम। अच्छी सोच है तुम्हारी, आजकल तुम्हारे फैसले दुरुस्त साबित हो रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तुम्हारे फैसलों पर हमें काफी हैरत होती है मुराद अफंदी। जिनकी वजह से हम तजस्सुस में हैं, हमसे कोई गलती हो गई सुल्तान मौसम। पाशा, आ जाए, आसन आ जाए। बताओ हमें अब कि आसन को कैसे जख्म आए और हमें इस बारे में क्यों मुत्तला नहीं किया गया, बताओ हमें। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि तुम बेकसूर हो या नहीं। दुनिया को बेमोल मान लेना, यह है मोहब्बत। दौलत को ठोकर मार देना, यह है मोहब्बत। दूसरे की जिंदगी में मिठास घोलकर खुद जहर पी लेना, यह है मोहब्बत।
मुस्कुराकर मुसीबतों को झेल लेना, सब कुछ सह लेना, यह है मोहब्बत। आसन की जिंदगी खतरे में क्यों डाली तुमने? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए मुराद अफंदी? हमारी इजाजत के बगैर आसन को महल से लेकर कैसे गए थे? सुल्तान मुअज्जम, मेरे सुल्तान, अगर इजाजत दें तो मैं बताना चाहती हूं। इसमें इनका कसूर नहीं, मैं खुद गई थी इनके साथ, बल्कि इन्होंने तो मुझे वहां जाने से रोका भी था, लेकिन इसरार किया मैंने। उस्मान भी गवाह है ना उस्मान? जी हाँ, मुमकिन है यही हुआ होगा। क्या हुआ होगा उस्मान? क्या मतलब है? सुल्ताने मौसम, आसन हमें बचाना चाह रही है। हमने इन पर आपकी बगैर इजाजत आने पर जोर दिया मेरे सुल्तान, यही सच है ना उस्मान? यह भी झूठ नहीं है सुल्ताने मौसम। नहीं, ये झूठ है। अगर मैं ना जाना चाहती तो कभी नहीं जाती, कोई जबरदस्ती नहीं थी, वहां जाने का फैसला मेरा अपना था। नहीं। जी हाँ। बस बहुत हो गया। हमारे ख्याल से आप दोनों ही जुर्म में बराबर के शरीक हैं। माफ कर दीजिए हमें। आइंदा मैं आसन को ऐसे किसी काम में शरीक नहीं करूंगा। इनके लिए महल की तर्जुमा का ही बेहतर जगह है मेरे सुल्तान। क्या? लेकिन मेरे सुल्तान, तर्जुमा गाह में काम करते करते उकता जाती हूँ, इसीलिए इनके साथ गई थी मैं। आप मेरी काबिलियत अच्छी तरह जानते हैं, मैं बतौर जासूस काम करना चाहती हूँ मेरे सुल्तान। ठीक है फिर, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम दोनों एक दूसरे का भरपूर दिफा कर रहे हो, वो भी हमारे सामने। मुराद अफंदी, आसन की जिंदगी आज से आपके पास हमारी अमानत होगी। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जाएं और जाते हुए सलीम पाशा से मिलने, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुबारक हो महमूद पाशा। वल्लाह शुक्रगुजार हूँ शहजादे का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये दस्तावेज उस्मानिया हुकूमत के मकरूस होने का सबूत है। बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने, बहुत बड़ी, और उसकी तलाफी महमूद पाशा की वजह से मुमकिन हुई। तो आपके बाबा ने इदारे में काम शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल वालिदा, सुल्तान ने कबूल कर लिया। सोचने की बात यह है, आप ये कर्ज कैसे अदा करेंगे सुल्तान मौसम? इस बात को 25 साल हो चुके हैं, सूद अदा करना मुश्किल काम है। इंजीनियर पायतख्त वापस आ रहे हैं, आपको मालूम करना है कि वो कब और कहां पहुंचेंगे। अब्दुल कादिर अफंदी के हिस्से कोई खरीदार खरीदना चाहता है, पेशकश अच्छी है,